आज पढ़ेंगे हम चैप्टर 3 प्लेइंग विद नंबर एक्सरसाइज 3.1। तो इसमें क्वेश्चन 1, राइट द फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग। आपको इनके फैक्टर्स लिखने हैं। तो ए है आपका 24। इससे पहले हम जानेंगे कि फैक्टर क्या होता है। फैक्टर जैसे भी आपका कोई भी नंबर हो गया, जैसे आपका नंबर है 18, है ना। अब हमें 18 के फैक्टर करने हैं। मींस इसमें हमें क्या बताना है कि किसकी हम मल्टीप्लाई कराएंगे दो नंबर्स की, कि ये वाला नंबर आएगा, ठीक है। फैक्टर मींस ये किस किस के टेबल में आता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, हम देखेंगे 1 × 18, है ना। 1 क्या है आपका, ऐसा नंबर है जो सबके टेबल में आता है, जो सबका फैक्टर है। तो 1 सबका फैक्टर है, तो एक तो वही हो जाएगा, और एक वो नंबर जो हम लिख रहे हैं, जैसे 18 है, तो 18 का फैक्टर 18 खुद भी है, है ना। तो 1 और 18, तो ये दो फैक्टर तो होते ही हैं हर नंबर के, ठीक है। हर नंबर के दो फैक्टर होते हैं। तो और किस किस के टेबल में आता है, 1 × 18 हो गया 18, और किसके टेबल में आता है, ये 2 के टेबल में आता है, 2 × 9, तो 18, है ना। तो ये फैक्टर हो गए। और 3 × 6, है ना, ये फैक्टर हो गया। तो ये फैक्टर, तो यहाँ पर कितने फैक्टर हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। तो ऐसे ही यहाँ पर हम देखेंगे अब। तो ए आपका 24, अब देखेंगे 24 के कितने फैक्टर होते हैं आपके। तो 24, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा आपका, 1 × 24, ठीक है। 1 के टेबल में भी आता है और 24 के टेबल में भी आता है 24, है ना। अब नेक्स्ट देखेंगे हम 2 × 12, क्या 2 के टेबल में आता है, हाँ आता है 2 × 12, तो 2 भी फैक्टर हो गया 24 का और 12 भी फैक्टर है। नेक्स्ट है आपका 3 × 8, 3 × 8 = 24, तो 24 भी आपका फैक्टर हो गया इसका। ऐसे ही करेंगे आप, और 4 के टेबल में देखेंगे, 4 × 6 = 24, तो 4 भी है फैक्टर, 6 भी है। तो कितने फैक्टर हो गए आपके, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 फैक्टर हो गए आपके 24 के। नेक्स्ट देखेंगे हम 15, तो 1 के टेबल में आता है 15, हमें पता है 1 और 15, तो 1 हो गया फैक्टर एक 15। अब 3 के टेबल में देखेंगे, 3 × 5 = 15, 4 के टेबल में भी नहीं आता, 5 के टेबल में आता है, 5 × 3 = 15, तो ये हम लिख चुके हैं 5 और 3, है ना। तो सिर्फ 15 के ये 3 ही फैक्टर होंगे, 4 ही फैक्टर होंगे, 1, 15, 3 and 5। नेक्स्ट है आपका 21, अब देखेंगे 21 किसके टेबल में आता है, तो 1 के टेबल में आता है, 1 and 21, तो ये दो फैक्टर हो गए। अब देखेंगे 2 के टेबल में नहीं आता, 3 के टेबल में आता है, 3 × 7 = 21, तो एक फैक्टर 3 हो गया, 7। 4 के टेबल में नहीं आता, 5 के और किसी के टेबल में नहीं आता, तो इसके 4 ही फैक्टर हैं। डी करेंगे हम 27, तो 27 का आपका 1 × 27 हो गया, 1 × 27, ये दो फैक्टर। देन 2 के टेबल में नहीं आता, 3 के टेबल में आता है, 3 × 9 = 27, और 4 के में भी नहीं आता, 5 के में नहीं आता, तो सिर्फ इसके कितने फैक्टर है, यही 4 फैक्टर है। ऐसे होगा आपका ई, ई में कितने आपका 1 × 12 कितना हो गया, 12, 2 × 6 = 12, और 3 × 4 = 12, ठीक है। तो ये 6 फैक्टर है इसके, और इसके अलावा नहीं आता ये। ऐसे ही एफ करेंगे हम, एफ में क्या है आपका 1 × 20, तो 1 के टेबल में आता है आपका 20, तो 20 आ गया यहाँ पे, और 2 × 10, 120 = 20, तो ये दो फैक्टर हो गए। अब 2 के टेबल में आता है 20, आता है, 2 × 10 = 20, तो 2 और 10 भी हो गया। 3 के टेबल में नहीं आता, 4 के टेबल में भी नहीं आता, 4 के टेबल में आता है, 5 × 4 = 20, तो 4 × 5 = 20 and 5 × 4 = 5 के टेबल में भी आता है, 5 × 4 = 20, तो ये सेम है, तो लिख चुके हैं हम। इसके अलावा नहीं होता इसका फैक्टर।
जी वाला करेंगे हम 18, तो 18 आता है 1 × 18 करेंगे, एक फैक्टर क्या होगा आपका 18, सेकंड क्या आपका 2 के टेबल में आता है, आता है 2 × 9 = 18, 3 के टेबल में आता है 18, आता है 3 × 6 = 18, तो हम लिख देंगे, 4 के टेबल में नहीं आता 5, 6 और किसी के टेबल में नहीं आता, तो उसके 6 फैक्टर्स हो गए 1, 18, 2, 9, 3 and 6, ठीक है, तो ये फैक्टर हो गए इसके। तो अब हम करेंगे आगे 23, तो 23 का सिर्फ क्या फैक्टर है 1 and 23, और किसी के टेबल में ये नहीं आता है। तो नेक्स्ट करेंगे हम आपका 36, तो 36 का देखेंगे हम यहाँ पर 1 × 36, ठीक है, 1 के टेबल में आता है और 36 कौन 36 जा 36 2 के टेबल में देखेंगे आता है, आता है कितने टाइम्स 2 × 18 = 36, ठीक है, तो ये दो फैक्टर, चार फैक्टर हो गए। 3 के टेबल में देखेंगे 3 × 12 = 36, ठीक है, ये हो गए। 4 के टेबल में आता है कितने टाइम्स 9 बार, 4 × 9 = 36, 6 के टेबल में आता है कितने बार 6 × 6 = 36। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, आपके क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन ये कंप्लीट हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 1, बाकी हम करेंगे नेक्स्ट पार्ट में।